हेलो गाइस, आज हम डेरिवेशन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता ही होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB होता है, बस कैसे होता है डेरिवेशन के साथ, या आप उसे प्रूव दैट भी लिख सकते हैं। जब हम 10th या 12th में आते हैं तब डेरिवेशन होता है, इसे प्रूव दैट के हिसाब से ही कर लो। जैसे अब मैंने प्रूव दैट लिख लिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB करना है। तो प्रूफ करने के लिए आ जाए तो कैसे करेंगे? ऐसे बहुत इजी है ये, तब भी मैथमेटिशियन लोग सोचते हैं मैथ बहुत टफ है, इसलिए मैं मैथ्स ही समझा रहा हूँ, इजी से इजी बेसिक क्वेश्चन। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये होता है इस दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ए इंटू ए कितना हुआ? ए स्क्वायर हो गया। अगर आपको एलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो बता देना, मैंने ऐसा एक एलजेब्रा की क्लास ले रखी है छोटी सी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ए इंटू ए स्क्वायर हुआ प्लस ए इंटू बी कितना हुआ? ए बी हो गया। अब जो बी का टर्म है वो भी मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू ए कितना हो गया? ए बी हो गया, ठीक है। और बी इंटू बी कितना हुआ? बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एडिशन करना है, ए बी प्लस ए बी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। अब उसे जल्दी बोलने के चक्कर में हम ऐसे बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, ठीक है। सब प्लस में ही था तो वैल्यू चेंज करने में कोई चेंजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।